राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। साथ ही पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार प्रदान किया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान असाधारण और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान साहित्य, कला, राजनीति, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। इसके लिए कोई औपचारिक सिफारिश आवश्यक नहीं है। भारत रत्न सम्मान के लिए सभी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद और लिंग के भेदभाव के बिना पात्र हैं। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धन राशि नहीं दी जाती। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा और विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। जैसे भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं।